मुंबई में हुए साल 1993 में बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड यानी दाऊद इब्राहिम इन दिनों पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। इस दौरान खबर है कि उसे किसी ने जहर दे दिया है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। दाऊद को संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंकी घोषित किया है। दाऊद का जन्म साल 1955 में मुंबई के फेमस स्लम एरिया डोंगरी में हुआ था। उसे डोंगरी का राजा भी कहा जाता है। दाऊद के पिता पुलिस कांस्टेबल थे। 15 साल की उम्र में ही वह चोरी, डकैती और धोखाधड़ी के मामले में पकड़ा गया था। धीरे धीरे उसका कद बढ़ता गया, वह अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में दाऊद की पूरी कुंडली। हाजी मस्तान ने बनाया दाऊद को बड़ा डॉन। दरअसल दाऊद मुंबई के डोंगरी इलाके में पला बड़ा है। ये इलाका मुस्लिम बहुल माना जाता है। बचपन से ही गैरकानूनी कामों में उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। 15 साल की उम्र में वह चोरी, डकैती और धोखाधड़ी के मामलों में जेल भी जा चुका था। इस दौरान ही उसकी मुलाकात उस समय मुंबई के सबसे बड़े डॉन हाजी मस्तान से हुई। फिर वह हाजी मस्तान के लिए काम करने लगा। मात्र 19 साल की उम्र में यानी 1974 तक वह हाजी मस्तान का सबसे करीबी लोगों में गिने जाने लगा। लेकिन उनकी दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चली और हाजी मस्तान के गैंग और दाऊद के गैंग के बीच गैंगवार शुरू हो गया। अंदर ही अंदर एक गैंगवार चलती रही। लेकिन मीडिया की सुर्खियों में ये गैंगवार साल 1981 में आई। कब मीडिया की सुर्खियों में आया दाऊद इब्राहिम? साल 1981 में दाऊद इब्राहिम और उसके भाई सबीर को एक गैस स्टेशन में घेर लिया गया। इस दौरान सबीर मारा गया और दाऊद भाग गया। 3 साल के अंतराल के बाद साल 1984 में दाऊद ने अपने भाई सबीर की हत्या में शामिल तीनों हत्यारों को मार डाला। मुंबई पुलिस ने दाऊद को मस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया। इस दौरान मुंबई में हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि उसे संभालना अब मुश्किल हो गया था। इसके बाद मस्तान 1984 में ही दुबई भाग गया, जहां वह व्हाइट हाउस नामक बंगले में रहता था। इधर मुंबई में दाऊद छोटा राजन के साथ मिलकर डी कंपनी चलाने लगा। दाऊद का काम धड़ल्ले से मुंबई में ही चल रहा था कि इस दौरान देश में दो काम हुआ। पहला, सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए मार्केट खोल दिए। दूसरा, कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। मुंबई में कमजोर होने लगी थी डी कंपनी। जब सरकार ने 1991 में विदेशी कंपनियों के निवेश की अनुमति दी तो दाऊद के कालाबाजारी वाले धंधे ठप होने लगे, क्योंकि विदेशी टीवी, घड़ी, रेडियो जैसी चीजों का गैरकानूनी तौर पर दाऊद भारत में बेचता था। लेकिन अब जब भारत ने विदेशी कंपनियों के लिए मार्केट खोल दिए तो ये वस्तुएं लीगल रूप से मिलने लगी। ऐसे में दाऊद के धंधे को बड़ा झटका लगा। इस बीच पुलिस ने दाऊद के लोगों को यानी डी कंपनी के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दुबई क्यों भाग गया था दाऊद इब्राहिम? 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने गिरा दिया था, जिसकी वजह से देश में कई जगह दंगे हुए। इस बीच दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के साथ अपना धंधा शुरू कर चुका था। ऐसे में माना जाता है कि दाऊद ने बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर साल 1993 में मुंबई विस्फोट कराए। 13 अलग अलग जगहों पर बम विस्फोट हुए थे। इस विस्फोट में करीब 250 लोगों की जान गई थी। इस विस्फोट का मास्टरमाइंड दाऊद था, जिसके बाद वह देश के सभी एजेंसियों के निशाने पर आ गया। ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे दुबई भागना पड़ा। इसके बाद वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जाकर शरण ले लिया। इसके बाद से ही वह भारत कभी लौट कर नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दाऊद इब्राहिम को साल 2003 में भारत और अमेरिका की तरफ से वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया। साल 1993 के मुंबई बम विस्फोट में उसकी कथित भूमिका के लिए उसके सिर पर $25 मिलियन का इनाम रखा गया था। 26/11 हमले में भी था शामिल। साल 2008 में हुए 26/11 मुंबई हमले की जिम्मेदारी तो हाफिज सईद की प्रतिबंधित संगठन लश्कर ए तैयबा ने लिया था। लेकिन स्क्वायर पत्रिका ने अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि इस हमले की साजिश में दाऊद भी शामिल था। इस हमले में आतंकियों ने पूरे मुंबई में विस्फोट किए थे, तो वहीं ताज होटल के अंदर 4 दिन तक लोगों को आतंकियों ने बंधक बना के रखा था। कौन कौन से देशों में फैला है दाऊद का काम? अब डी कंपनी केवल भारत के लिए ही टेंशन नहीं है, दक्षिण एशिया के अलावा डी कंपनी कुछ अफ्रीकी देशों के लिए भी सिरदर्द बन गई है, क्योंकि दाऊद ने पूर्वोत्तर नाइजीरिया में स्थित संयुक्त राष्ट्र की तरफ से नामित आतंकी संगठन बोको हराम में भी निवेश किया है। ऐसे में पूरी दुनिया की एजेंसियां दाऊद के पीछे पड़ी हुई हैं। इस बीच अब चर्चा है कि दाऊद को पाकिस्तान में किसी ने जहर दे दी है, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। फिलहाल अस्पताल में उसकी इलाज चल रही है। तो ये थी दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।